पीएससी सेकेंड ईयर। अपनी जो बुक चल रही थी, जो टॉपिक मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, वो थी कोरडेटा एंड इवोल्यूशन। कोरडेटा एंड इवोल्यूशन, दोनों शब्दों के अर्थ क्लियर है? कोरडेटा एंड इवोल्यूशन। कोरडेटा शब्द जो है, कोरडेटा शब्द का अर्थ क्या होता है? नोटोकोड वाले जीव। अगर इनका शब्दों का अर्थ लेकर चले, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो शब्द है, इस कोरडेटा जीव के शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कोर्ड प्लस एटा, CHORD, कोर्ड प्लस एटा। दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, कोर्ड प्लस एटा। कोर्ड का अर्थ होता है, अगर सामान्य लैंग्वेज में अपने देखें तो कोर्ड का अर्थ होता है मोटी रस्सी, यानी कि मोटी रस्सी। कोर्ड शब्द का अर्थ होता है मोटी रस्सी। और एटा का अर्थ होता है बियरिंग, धारण करना। अब देखिए, मोटी रस्सी से शब्द यहाँ निकल कर आ रहा है कि इसके शरीर में कोई मोटी संरचना पाई जाती है जो मजबूत होती है, वो संरचना जिसको अपनों ने क्या कहा था, नोटोकॉर्ड। यानी कि ये शब्द जो है वो यहाँ से बना है, यानी कि ऐसे जीव जिनकी शरीर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, कोरडेटा जीव कहलाते हैं। और ये जो शब्द है, कोरडेटा शब्द और कोरडेटा जीवों की जो खोज है वो बलफोर नामक वैज्ञानिक से सबसे पहले की 1880 के आसपास, 1880 के आसपास ये स्पष्ट किया गया कि कौन से जीव जो होते हैं वो कोरडेटा होते हैं और किस प्रकार के जीव जो है कोरडेटा जीवों की श्रेणी में आते हैं, क्या कोरडेटा शब्द का अर्थ रहता है। जगदीश प्रसाद, गोविंद महरियास, मुकेश दहिया, ठीक है, नेक्स्ट जुड़िएगा, लिंक शेयर कीजिएगा अपने साथ वालों को। तो बलफोर ने जो है सबसे पहले बताया 1880 के अंदर कि कोरडेटा जीव जो है वो कौन से जीव होते हैं, मोटी रस्सी को धारण किए हुए जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, कोरडेटा जीव होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें कोरडेटा जीवों के किस प्रकार के कैरेक्टर रहते हैं, इनके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, किन बेसिक फीचर्स के आधार पर इनको कोरडेटा कहा जाता है। यदि इनके बेसिक फीचर्स मान के चले तो तीन इनके मुख्य लक्षण होते हैं, तीन लक्षणों को मुख्य लक्षण कहा जाता है। कौन कौन से लक्षण जो होते हैं वो मुख्य लक्षण रहते हैं, चलिए देखते हैं। मेन कैरेक्टर, मुख्य लक्षण, मुख्य लक्षण सबसे पहले कोरडेटा, जैसा नाम से स्पष्ट है कि नोटोकोर्ड का पाया जाना सबसे पहले है, कि इनके जीवन के किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड अवश्य प्रेजेंट रहनी चाहिए। जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में नोटोकॉर्ड इनमें अवश्य प्रेजेंट रहनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ से निकलकर सामने आती है, कई कहते हैं कि नोटोकॉर्ड होती है या वर्टिबल कोलम होती है, तो ये जो आपका डाउट है वो यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो एक प्री मैच्योर संरचना कह सकते हैं, जो बाद में कैल्सिफाइड होकर क्या बनाती है, जो कैल्सिफाइड होकर वर्टिबल कोलम बनाती है। और जिन जीवों में नोटोकोड पाई जाती है वो नोटोकोडधारी जीव कोरडेटा की श्रेणी में ही आते हैं। बेसिकली नोटोकोड की प्रेजेंस प्रोटोकोरडेटा जीवों में देखी जाती है। बेसिकली नोटोकोड की प्रेजेंस जो है वो प्रोटोकोरडेटा जीवों में देखी जाती है। प्रोटोकोरडेटा वे जीव होते हैं जो लक्षणों में निम्न होते हैं, ऐसे जीव जो लक्षणों में निम्न होते हैं प्रोटोकोरडेटा की श्रेणी में आते हैं। अब प्रोटोकोरडेटा की बात करें, प्रोटोकोरडेटा कौन से जीव थे जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, आदिम प्रकार के होते हैं। एक तो है ना, आप लोग जुड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा, कमेंट करके भी बताइएगा, ताकि जो मुझे है ना क्लास में जो रियल क्लास वाली फीलिंग है वो कम से कम 1-2% तो आती रही, जो मेरा भी है इंटरेस्ट जो क्रिएट रहे आपके साथ जुड़े रहने में। ऐसे तो देखो लगातार नॉन स्टॉप लगा रहना मेरे लिए भी मुश्किल बनता जा रहा है, जब तक आपके रिस्पॉन्स नहीं आएंगे सामने, कमेंट नहीं आएंगे, मैं किस तरह जो है अकेली जो है इसको चालू रख सकूंगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा, बताइएगा कि अगर बात करें तो नोटोकोड जो है
नोटोकोड जिनको कहा जाता है वो प्रोटोकोर्डेटा जीवों के अंदर प्रेजेंट रहती है। और प्रोटोकोर्डेटा कौन से जीव होते हैं? प्रोटोकोर्डेटा जो जीव होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया था हर्डमानिया, और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा बताया था? हर्डमानिया, और दूसरा एग्जाम्पल जो बताया था वो था, दूसरा एग्जाम्पल बताइएगा एम्फियोक्सस, जिसको ब्रेंकियोस्टोमा भी कहा जाता है। हर्डमानिया और एम्फियोक्सस जिनके अंदर नोटोकोड जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में अवश्य पाई जाती है। एम्फियोक्सस जिनके जीवन की शरीर की संपूर्ण लंबाई के अंदर नोटोकोड पाई जाती है वो कौन से होते हैं? एम्फियोक्सस होते हैं। और जिनकी लार्वा अवस्था के अंदर नोटोकोड पूंछ के अंदर पाई जाती है, बाद में जब ये डेवलप करते हैं मेटामोर्फोसिस के दौरान इनकी जो है मेटामोर्फोसिस के दौरान इनकी पूंछ विलुप्त हो जाती है। और पूंछ विलुप्त होने के साथ साथ इनमें क्या होता है, जो एक करैक्टर आता है जो नोटोकोड का पाया जाना, वो भी क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। लेकिन जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में इनके अंदर नोटोकोड अवश्य पाई जाती है। जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में जिनके अंदर नोटोकोड पाई जाएगी वो जीव नोटोकोड धारी जीव होंगे। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि अगर ये नोटोकोड कैल्सीफाइड हो जाएगी तो वर्टिबल कोलम बना लेगी, और वर्टिबल कोलम का भी पाया जाना क्या है, कोर्डेटा जीवों की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे दूसरे फीचर्स की। दूसरा उनका मुख्य लक्षण है वो है, दूसरा लक्षण होलो नर्व कोड, खोखला तंत्रिका रज्जु का पाया जाना, खोखला तंत्रिका रज्जु का पाया जाना, होलो नर्व कोड। दूसरा लक्षण है कि जीवन के किसी न किसी प्रावस्था में जिनके अंदर होलो नर्व कोड का पाया जाना प्रेजेंट रहता है वो जीव कौन से होते हैं, वो जीव होते हैं कोर्डेटा जीव। खोखला तंत्रिका रज्जु क्या होता है? खोखला तंत्रिका रज्जु वो संरचना होती है जो बाद में इसके अंदर, जो बाद में इन जीवों के अंदर मस्तिष्क जैसी संरचना का निर्माण करती है। लेकिन कुछ जीवों में ये लार्वा अवस्था में ही प्रेजेंट रहती है, और कुछ में ये जीवन पर्यंत रहकर इनके लिए महत्वपूर्ण संरचनाओं का, मस्तिष्क जैसी संरचनाओं का निर्माण करती है, जैसे पीसीज, वर्टिब्रेट्स। इन जीवों में क्या होता है, ये खोखला तंत्रिका रज्जु आगे वेल डेवलप होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अपने तीन नंबर करैक्टर की, जो मुख्य लक्षण है, पहला लक्षण नोटोकोड का पाया जाना, दूसरा लक्षण इसके अंदर खोखला होलो नर्व कोड का पाया जाना, और तीसरा लक्षण अपने बात करें तो इसके अंदर क्या पाया जाना, तीसरा लक्षण की बात करें प्रोटोकोड नोटोकोड डेटा का पाया जाना, खोखला तंत्रिका रज्जु का पाया जाना, और तीसरा है गिल स्लिट्स का पाया जाना। गिल स्लिट्स हिंदी में क्या कहेंगे, गिल स्लिट्स का पाया जाना। तीसरा लक्षण जो है इनके अंदर गिल तंतुओं का, गिल स्लिट्स का प्रेजेंट रहना, गिल स्लिट्स का पाया जाना। अब ये गिल स्लिट्स क्या होती है, ऐसे जीव जिनके जीवन की किसी ना किसी प्रावस्थाओं में ग्रसनी इसोफेगस, जीवन की किसी ना किसी प्रावस्था में ग्रसनी के द्वारा गिल पट्टिकाओं का निर्माण होता है, गिल पट्टिकाओं का निर्माण होता है, जो बाद में अगर जीव जल में रह रहा है तो उसमें श्वसन करने के लिए, इनमें गिल बना दे, अन्यथा बाद में ये क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह की गिल तंतुओं का निर्माण जीवन के किसी न किसी प्रावस्थाओं में अगर होता है तो उस तरह के जीव कौन से कहलाते हैं, कोर्डेटा जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनमें किस तरह का फीचर्स पाया जाता है। नेक्स्ट फीचर्स जो है वो इनमें पाया जाता है चार नंबर, हिपेटिक नर्व्स यकृत निवाहिका सिस्टम, तीसरा सिस्टम जो इनके अंदर प्रेजेंट रहता है वो है हिपेटिक संचरण सिस्टम, जिसको कहा जाता है यकृत निवाहिका सर्कुलेशन सिस्टम जिनके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब इस टर्म का क्या अर्थ होता है, इस टर्म्स का अर्थ क्लियर करते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार की वेजल्स, शिराएं और धवनियां, वेन्स और आर्टरीज पाई जाती है। तो इनका शब्दों का अर्थ करें, क्लियर करें कि हमारे शरीर से अगर मान लीजिए
कोर्डेटा जीव है, आहार नाल है कोर्डेटा की। कोरडेटा की आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, अगर कोरडेटा की एलिमेंट्री कैनाल से कोई ब्लड लेकर जाने वाली शीरा वेन, यानी कि शरीर से जो ब्लड को लेकर जाती है वो वेन कहलाती है, जो हृदय से ब्लड को लेकर आती है वो आर्टरीज कहलाती है, तो आहार नाल से जो वेन ब्लड लेकर जा रही है वो जानी कहाँ चाहिए, स्वाभाविक सी बात है हृदय में जानी चाहिए, लेकिन हृदय में ना जाकर अगर लीवर में पहले जा रही है, आहार नाल से ब्लड लाने वाली शीरा अगर हृदय में ना जाकर पहले अगर किस में जा रही है, लीवर में जा रही है, तो वह यकृत निवाहिका तंत्र बनाती है। तो इस तरह का सिस्टम पाया जाना किसकी प्रमुख विशेषता है, इस तरह का सिस्टम पाया जाना कोरडेटा की प्रमुख विशेषता है। ये कहाँ शीरा कहाँ नहीं जाकर, हृदय में ना जाकर पहले लीवर में जाती है और उसके बाद में हृदय में जाती है, इस तरह का सिस्टम पाया जाना किसकी प्रमुख विशेषता है, कोरडेटा जीवों की प्रमुख विशेषता है। अगर इसके बाद में अगर इनके मेन फीचर्स की कल्पना करें तो कौन कौन से मेन फीचर्स रहेंगे, इसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो रहेगा सिमिट्री कैसी होगी इन जीवों की, किस तरह की सम्मिति इन जीवों में पाई जाएगी, कोरडेटा जीवों में कौन सी सम्मिति पाई जाती है, कमेंट करके बताइएगा अगर किसी को मालूम है तो। स्लिट्स दरारें नहीं होती क्या? हाँ बिल्कुल, स्लिट्स को दरारें कहा जाता है, गिल दरार, बिल्कुल हाँ, गिल तंतुओं की जगह क्या आएगा, दरार, गिल दरार बिल्कुल, जिनके द्वारा बाद में गिल का निर्माण होता है, गिल स्लिट्स जिनको कहा जाता है, बिल्कुल। बाइलेटरल, अंशिका चौहान, वेरी गुड। जो इनके अंदर जो सिमिट्री पाई जाती है वो कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमिट्री होती है। द्विपार्श्व, कोरडेटा जीवों में जो सम्मिति पाई जाती है वो कौन सी सम्मिति होती है, बाइलेटरल सम्मिति, यानी कि ऐसे जीव जिनको बराबर मध्य से गुजरती हुई किसी रेखा के द्वारा बराबर दो भागों में काट सकते हैं, वो सम्मिति कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमिट्री कहलाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं और कैरेक्टर की, कोई नेक्स्ट और कैरेक्टर बताइए कोरडेटा का जो कोरडेटा के अंदर प्रेजेंट रहता है। माउथ फॉर्मेशन के आधार पर ये जीव कैसे होते हैं, मुख के बनने के आधार पर ये जीव कैसे होते हैं, माउथ की फॉर्मेशन के आधार पर। मुकेश दहिया, बाइलेटरल, हाँ ये हो गया, इससे आगे बताइए कि माउथ की फॉर्मेशन के आधार पर कोरडेट्स जीव किस प्रकार के होते हैं। अठारह बीस लोग जुड़े हुए हैं, आंसर दीजिएगा। ना तो आप लिंक शेयर कर रहे हैं, ना आप आंसर दे रहे हैं, कुछ तो काम कीजिए, क्लास में होते तो शायद आपका नाम लेके पूछ सकती, लेकिन अब दूर बैठे हो, अपनी मर्जी से काम करोगे, क्या कह सकते हो आपका। चलो आते हो टाइम पे, समय पे वेट करना नहीं पड़ता, आप मेरा इंतजार करते हो आने का, आप समय से पहले उपलब्ध हो जाते हो, वही बहुत है। मुख के निर्माण के आधार पर ये जीव किस प्रकार के होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स प्रकार के होते हैं, माउथ की फॉर्मेशन के आधार पर ये जीव जो होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स प्रकार के होते हैं, यानी कि मुख का निर्माण कोरकरंध्र से संबंधित होता है, ड्यूटेरोस्टोम बताया था मैंने, कल ही बताया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो ड्यूटेरोस्टोम्स के बाद में इनमें जो नर्व सिस्टम, जिनमें सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें, चलिए नेक्स्ट बात करें सर्कुलेशन सिस्टम की, तो किस तरह का सर्कुलेशन सिस्टम जो है इन जीवों में पाया जाता है, सर्कुलेशन सिस्टम कौन सा प्रेजेंट रहता है इन जीवों में, इसके अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, यानी कि जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है, एक तो होता है क्लोज और एक होता है ओपन। अरे अपने अंदर जो ब्लड बहता है अपने कौन से जीव है, कोरडेटा है, सामान्य सी बात है कि अपने को बराबर दो भागों में मध्य से गुजरती हुई रेखा से काट सकते हैं, अपने शरीर के सबसे पहले मुख पाया जाता है, ठीक है, और अपने सम्मिति के आधार पर बाइलेटरल है, और अपने अंदर जो नेक्स्ट करेक्टर में बात करेंगे ये तो, लेकिन इसके अंदर ब्लड जो है हमारे अंदर किस में बहता है, नलिकाओं, वाहिनियों, शीरों, आर्टरीज में बहता है, तो अपने अंदर किस प्रकार की पाई जाती है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अगर बात करें, सबसे बड़ा संघ मैंने बताया था कौन सा है,
आर्थोपोडा प्रोटोजोआ के बाद में वहाँ पे पढ़ाया था मैंने इन्वर्टिब्रेट में सबसे बड़ा संघ कौन सा था वो भी बताया था, लेकिन वही बात है ना, गौर नहीं करते। शिलोम की बात करें तो शिलोम कौन सी पाई जाती है, शिलोम क्या होती है, शिलोम देह गुहा, हिंदी में कहेंगे तो देह गुहा। किस प्रकार की देह गुहा, किस प्रकार की देह गुहा जो है कोरडेटा जीवों में प्रेजेंट रहती है, कोरडेटा जीवों में पाई जाने वाली शिलोम की बात बताइए। शिलोम जो होती है वो होती क्या है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, आहार नाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है किसी प्रकार का, उसको क्या कहा जाता है, शिलोम कहा जाता है। और इस प्रकार के जीवों में, कोरडेटा जीवों में जो शिलोम पाई जाती है वो कौन सी शिलोम होती है, वो सुडोशिलोम होती है, आभासी होती है, या वास्तविक होती है, ट्रूशिलोम होती है, या एंटेरोसिलस सिलोमेटा होते हैं, आंत्रगुहिक होते हैं, किस तरह के जीव होते हैं ये जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रूशिलोम वाले होते हैं, आभासी नहीं पाई जाती इनके अंदर। ट्रू, ट्रू का मतलब फिर ट्रू कहां से आएगी, यानी कि इसके अंदर जो शिलोम पाई जाती है वो मीजोड्रम से कवर्ड होती है, ऐसी शिलोम जिनकी आउटर लेयर, जिनकी लेयर इनर लीनिंग मान लो चाहे आउटर लीनिंग मान लो, जो किसके द्वारा कवर्ड रहेगी, मीजोड्रम के द्वारा कवर्ड रहेगी, यानी कि किसी ना किसी स्थिति में इनके चारों ओर मीजोड्रम का आवरण पाया जाए शिलोम के चारों ओर, तो वो कौन सी होती है, ट्रू शिलोम होती है, वास्तविक शिलोम होती है। और वास्तविक शिलोम का पाया जाना मुख्य करैक्टर है किसका, कोरडेटा जीवों का। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन जीवों के अंदर अंतः कंकाल, स्केलेटल सिस्टम, जीवित अंतः कंकाल प्रेजेंट रहता है इनके अंदर, मोमेंटेबल जो गति कर सकता है, इस तरह का इनमें जीवित अंतः कंकाल जो होता है वो इन जीवों के अंदर प्रेजेंट रहता है। इनके अंदर ट्रू शिलोम पाई जाती है, बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और हृदय इनमें कैसा होता है, हार्ट हृदय, सुविकसित हृदय जो होता है वो कोरडेटा के जीवों के अंदर बन जाता है। और अदर साइड में शरीर के अग्र भाग में इनके अंदर हृदय जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस तरह के मुख्य करेक्टर्स, मुख्य फीचर्स को लिए हुए कोरडेटा जीव जो है वो पाए जाते हैं। कोरडेटा की बात करें तो कोरडेटा का मुख्य करेक्टर नोटोकोर्ड का जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाया जाना, दूसरा इसके अंदर खोखला तंत्रिका रज्जू का पाया जाना, तीसरा इनके अंदर गिल स्लिट्स का पाया जाना, गिल दरारों का पाया जाना, नेक्स्ट इनके अंदर यकृत निवाहिका तंत्र का पाया जाना, हिपेटिक सिस्टम का पाया जाना, सर्कुलेशन सिस्टम का पाया जाना, बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होना, सिमेट्री बायलेटरल होना, ड्यूटेरोस्टोम्स प्रकार के होना, नेक्स्ट अदर भाग में हृदय पाया जाना, और इनके अंदर पाई जाने वाली शिलोम जो है वो ट्यूब प्रकार की होना, इस तरह के मेन फीचर्स को लिए हुए कोरडेटा जीव जो है प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। ये मुख्य करैक्टर इन जीवों के अंदर पाए जाते हैं। अनुज बेनीवाल, वास्तविक, बिल्कुल ट्रू शिलोम, हाँ ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, किस तरह का क्लासिफिकेशन जो है वो इन जीवों में प्रेजेंट रहता है उसकी बात करते हैं। चलिए सोए हुए मत रहिएगा, जगाओ अपने आप को, जागना पड़ेगा क्योंकि परिस्थितियां आपको आलस में ही कर रही है, लेकिन खुद के शरीर पर जो नियंत्रण है वो आपके स्वयं का है, इसको कोई नहीं बदल सकता सिवाय आपके, आपके हाथ में है। कुछ सीखना है तो उस चिंटी से सीखिएगा, कभी चिंटी को चलते हुए देखा है आपने, उसके आगे अगर आप किसी चीज़ को लगाओगे वो लाख बार आपकी अंगुली को उसके साइड से होते हुए वो मुड़कर चली जाएगी, फिर आप लगाओगे फिर वो हटकर चली जाएगी, अगर उसके आगे आप कोई चीज़ ये मारकर रख दोगे तो वो उसके ऊपर से चली जाएगी, लेकिन रुकती नहीं है वो, रुकेगी तो एक कंडीशन पर, अगर वो मर गई, आप उसको मार दो तब वो चलना छोड़ देगी। इस तरह उस चिंटी से, छोटी सी चिंटी से अपने बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो अपने आप को जागरूक बनाना जरूरी है और जागना पड़ेगा, सीखने के लिए जागना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं अपने कोरडेटा की और कोरडेटा के क्लासिफिकेशन की। अभी सिर्फ जगाना है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, समय बहुत है,
लेकिन समय के साथ साथ चलना जरूरी है, चाहे कदम धीरे रखिए। बचपन में वो कहानी सबने पढ़ी थी, खरगोश और कछुए वाली, बस वही बात है। अगर मंद गति से भी चलोगे, मंद गति से भी चलोगे, अगर लगातार चलोगे तो जीत सुनिश्चित है। तो इसी तरह अगर अपने बात करें तो कोर डेटा की क्लासिफिकेशन की धीरे धीरे देखेंगे, जल्दबाजी कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें अपने कोर डेटा के अंदर, तो कोर डेटा के क्लासिफिकेशन की सबसे पहले मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि कोर डेटा जो जीव है उनको दो भागों में बांट दिया। किसके आधार पर? कोर डेटा जीवों को मस्तिष्क, मस्तिष्क कोश और जबड़े की प्रेजेंस के आधार पर दो भागों में बांट दिया, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा शब्दों को क्लियर कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा जिनके अंदर मस्तिष्क क्रेनियम पाया जाता है वो तो हो गए क्रेनिएटा, और जिनके अंदर एब्सेंट होता है वो क्या हो गए? एक्रेनिएटा। अब मस्तिष्क नहीं है, जबड़े नहीं है, तो विकसित होंगे या अल्प विकसित होंगे? अल्प विकसित होंगे, पहले बने हुए होंगे, पहले जो बनते हैं उनको प्रिमिटिव टाइप के कहते हैं। तो क्या कहेंगे? प्रोटोकोरडेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोकोरडेटा कहेंगे। ऐसे जीव जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और जिनके अंदर मस्तिष्क, मस्तिष्क कोश और जबड़े, जिनके अंदर ब्रेन, ब्रेन कैविटी, जबड़े, इस जा, इस तरह की जो संरचनाएं होती है वो एब्सेंट होती है, वो एक्रेनिएटा या प्रोटोकोरडेटा के जीव कहलाते हैं। और जिनके अंदर प्रेजेंट होती है वो कौन से होते हैं? क्रेनिएटा होते हैं। ये अल्प विकसित है और ये वेल डेवलप है। अब बात करें तो एक्रेनिएटा की, एक्रेनिएटा को मैंने कितने भागों में बांट कर बताया था आपको? दो भागों में। कौन कौन से दो जीवों के नाम याद हैं? कौन कौन से आए थे? हर्डमानिया आया था और दूसरा आया था एम्फियोक्सस। अब एक्रेनिएटा को दो भागों में बांटा था, कौन कौन से भागों में बांटा था बताइएगा? एक्रेनिएटा जिनके अंदर मस्तिष्क, मस्तिष्क कोश नहीं पाया जाता, वो दो तरह के जीव पाए जाते थे, क्या क्या थे, कौन कौन से थे? लिख दूं या बताओगे? क्या पता, चैटिंग में हाथ बहुत तेज़ होने चाहिए आपके, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है, मेरे पास समय की शॉर्टेज है, मैं खुद ही बता देती हूँ। यूरोकोरडेटा और दूसरा कौन सा है? सिफेलोकोरडेटा। किस तरह इनको दो वर्गों में बांटा है? यूरोकोरडेटा और सिफेलोकोरडेटा दो भागों में बांटा है। यूरो का मतलब मैंने कल बताया था कौन सा? टेल। और जिनकी पूंछ के अंदर नोटोकोर्ड पाई जाती है वो यूरोकोरडेटा होते हैं। सिफेलोकोरडेटा जिनकी संपूर्ण लंबाई में, पूरी लंबाई में जिनके नोटोकोर्ड प्रेजेंट रहती है वो कौन से हैं? सिफेलोकोरडेटा होते हैं। पूरी लंबाई में जिन जीवों के नोटोकोर्ड पाई जाती है, ऐसे जीव जिनकी पूरी लंबाई में नोटोकोर्ड पाई जाती है वो सिफेलोकोरडेट होते हैं, और ऐसे जीव जिनकी केवल पूंछ में नोटोकोर्ड पाई जाती है वो कौन से होते हैं? यूरोकोरडेटा। और एग्जाम्पल बताया था हर्डमानिया, और इसका एग्जाम्पल एम्फियोक्सस, जिसको ब्रेंकियोस्टोमा भी कहा जाता है। एम्फियोक्सस, या जिसको क्या कहा जाता है? ब्रेंकियोस्टोमा भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लेनोग्लोसस, सॉरी वो उसका था ना, ब्लेनोग्लोसस, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा सिलेंट्रेंटा, और लास्ट में कौन सा? हेमिकोरडेटा का था ब्लेनोग्लोसस। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हेमिकोरडेटा का है बेलेनोग्लोसस, हेमिकोरडेटा का जो जीव है वो तो है ब्लेनोग्लोसस, और ब्रेंकियोस्टोमा जो है वो सिफेलोकोरडेटा का है। उसके अंदर तो बक्कल कैविटी की रूफ पर नोटोकोर्ड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं कि बननी प्रारंभ हुई थी, पूर्णतः उपस्थिति भी नहीं देखी गई, ठीक है। तो वो तो थे हेमिकोरडेटा वाले, जो इनके मिडल में मान सकते हैं, लेकिन प्रोटोकोरडेटा का एक जीव है वो है एम्फियोक्सस, या जिसको कहा जाता है ब्रेंकियोस्टोमा। क्लियर कर लेना, ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस है और ब्लेनोग्लोसस हेमिकोरडेटा का है। नेक्स्ट बात करें अपने इसके जो वर्ग आता है एम्फियोक्सस का, वो कौन सा है? लेप्टोकोरडोई, लेप्टोकोरडोई, लेप्टोकोरडोई वर्ग का ये जीव है। और क्रेनिएटा में जो बताया था, क्रेनिएटा में जो जीव बताए थे, क्रेनिएटा में
दो भाग में बांटा था इसको, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और इसको किस में बांटा है, नेथोस्टोमेटा में। वर्टिब्रेटा है ये सारे, वर्टिब्रेटा का मतलब जिनके अंदर क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल कोलम प्रेजेंट रहता है, कैल्सिफाइड संरचना जिनके अंदर पाई जाती है, वर्टिब्रल कोलम। एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा में जो आएगा वो कौन सा आएगा, वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा में जो आएगा वो है साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है चक्राकार मुख, साइक्लो का मतलब होता है चक्राकार। यानी कि ऐसे जीव जो चक्राकार मुख वाले होते हैं एग्नेथा के अंतर्गत आते हैं। एग्नेथा में आने वाले प्राणी जिनके अंदर जबड़े और युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं, ऐसे जीव जिनके अंदर जबड़े और युग्मित उपांग जो होते हैं वो एब्सेंट पाए जाते हैं, वो किस में आते हैं, एग्नेथा के अंतर्गत आते हैं। ए एब्सेंट, जबड़े और युग्मित उपांग जिनके अंदर एब्सेंट होते हैं वो किस में आते हैं, एग्नेथा में आते हैं। इसका पहला जो है एक ही आता है इसमें, साइक्लोस्टोमेटा, जिसके अंदर चक्राकार मुख वाले प्राणी आते हैं जिसका नाम है मिक्साइन और पेंट्रामाइजोन, पेंट्रामाइजोन और मिक्साइन, पेंट्रामाइजोन और मिक्साइन दोनों ही एग्नेथा के अंतर्गत आने वाले प्राणी हैं जिनके अंदर चक्राकार मुख पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने जो है नेथोस्टोमेटा को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ अपने देखी, कोर डेटा के बेसिक फीचर्स को देखा। बेसिक फीचर्स में मैंने तीन चीज़ें बताई कि इनके अंदर नोटोकोड जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नोटोकोड का किसी न किसी जीवन की प्रावस्था में पाया जाना अवश्य होता है, तभी ये कोरडेटा कहलाते हैं। होलो नर्व कोड पाई जाती है इनमें, खोखला तंत्रिका रज्जू प्रेजेंट रहता है। तीसरा मैंने इसके अंदर बताया कि इसके अंदर जो संरचना होती है वो गिल स्लिट्स जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में इसके अंदर पाई जाती है। गिल स्लिट्स का पाया जाना इसका जो मुख्य फीचर्स है वो भी मैंने बताया। सिमिट्री जो बताई इसमें, बाइलेटरल है, ड्यूटेरोस्टोम्स प्रकार के ये प्राणी है, बंद प्रकार का इनके अंदर क्या पाया जाता है, रुधिर परिसंचरण पाया जाता है, और शरीर के आधार पर ये उच्च कोटि के प्राणी होते हैं, और इनके अंदर यकृत निवाहिका सिस्टम, यकृत निवाहिका सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो मैंने बताया कि जहां आहार नाल से ब्लड ले जाने वाली वेन शीरा हृदय में ना जाकर डायरेक्ट लीवर में जाती है, हार्ट में नहीं जाती, तो इस तरह का सिस्टम जो होता है वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का कहलाया जाता है, जो कोर डेटा के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में एक्रेनिएटा, जिनके अंदर क्रेनियम जो है, मस्तिष्क, जबड़े वगैरह एब्सेंट रहते हैं, प्रोटोकोर्डेट जीव होते हैं, हर्डमानिया यूरोकोर्डेटा के अंतर्गत आता है, जिसके जीवन की टेल वाली प्रावस्था में जो लार्वा स्टेज होती है उसके जो पूंछ होती है उसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट रहती है। जब ये कायांतरण करता है, मेटामोर्फिसिस करता है, तो पूंछ नष्ट हो जाती है, और पूंछ के नष्ट होने के साथ साथ ही इसमें जो नोटोकोड बनी हुई होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण इसमें जो कायांतरण होता है, मेटामोर्फिसिस होता है, वो किस प्रकार का होता है, रिट्रोग्रेसिव प्रकार का होता है। ये जीव जो है वो कौन सा है, हर्डमानिया है। सिफेलोकोर्डेटा संपूर्ण लंबाई में जिनमें नोटोकोड पाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस या जिसको क्या कहा जाता है, ब्रेंकियोस्टोमा, लेप्टोकोर्डोई वर्ग में आता है। क्रेनिएटा जो वर्टिब्रेटा जीव भी कहलाते हैं। एग्नेथा जिनमें चक्राकार मुख वाले प्राणी आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशेंट है, इससे आगे अपने कल पढ़ेंगे। कल की क्लास के लिए भी यही समय रहेगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, लिंक को शेयर करते रहिएगा। 12 घंटे के बाद में भी आप इस क्लास को देख सकते हो।